हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए हमने कुकर में तेल गरम करके हींग डाली है, जीरा डाल लिया है, मिर्ची डाल ली है, तेज पत्ता डाल लिया है और डाल लिया है हमने उसमें कटे हुए प्याज। इन सबको हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डाल लेंगे अपनी गोभी और आपके पास जितनी भी वेजेज हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। वो डालने के बाद कटे हुए आलू डाल लिए हैं हमने, टमाटर डाल दिए और इन सबको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हमने इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको मिक्स करके अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दिए हमने अपने चावल और दाल धोने के बाद। और उसके बाद हम इसको चला देंगे अच्छे से और इसमें पानी डाल देंगे और कुकर को बंद कर पका लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे अपनी खिचड़ी में फाइनल तड़का, जिसके लिए हमने पैन में ले लिया है घी। घी को गर्म होने के बाद इसमें हम डाल लेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें और हम इसमें डालेंगे थोड़ा अपना लाल मिर्च पाउडर या हम डालेंगे कबाब पाउडर और तड़का लगा देंगे। और ये हमारी खिचड़ी देखिए लाजवाब तैयार है। और इसके साथ खाइए दही से या रायते से।